अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फोर स्टेप जूम एनिमेशन। वीडियो पहले देखते हैं। ये फोर स्टेप इन्फोग्राफ बहुत ही इजी है, हम इसे वीडियो में बनाने की कोशिश करते हैं। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एम से मैंने न्यू टैब ओपन की है। न्यू टैब अपन ओपन करने के बाद राइट क्लिक करके फॉर्मर बैकग्राउंड में जाके सॉलिड सॉलिड फिल में हम कलर फिल कर देंगे। आईड्रॉपर आईड्रॉपर की मदद से हम जो प्रीवियस वाली जो एनिमेशन है यहाँ से हम कलर पिक कर लेंगे एनिमेशन से। आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ही अपने ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। अब हमें क्यूब चाहिए। बेसिक शेप में जाके हम यहाँ से रेक्टेंगल ले लेंगे। रेक्टेंगल मैंने एक ड्रा किया रैंडमली। यहाँ से हम इसका साइज दे देंगे 1.5 और विड्थ आ गई हमारे पास 1.5। हम इस में को जाएंगे अलाइंस में। अलाइंस में जाके हम करेंगे लाइन मिडल, ठीक हो गया। फिर इसकी हम शेप में जाएंगे, शेप आउटलाइन में जाके नो कलर, और यहाँ पे लास्ट में मैंने कलर बॉक्स का स्कीम लगाई हुई है, कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। लाइट कलर देंगे हम सबसे पहले इसके फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाके शेप में जाए आईड्रॉपर की मदद से हम इसे कलर दे देंगे। हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। हम इसके लिए अब टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। स्टेप वन, आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैंने 32 दिया है और यहाँ से हम कर लेंगे एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक हो गया। यहां से हम इसे जाके सेंट्रल में कर देंगे टेक्स्ट को। ये देखिए मैंने इसका टेक्स्ट दे दिया। इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे इंट्रो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। इसका फॉन्ट चेंज करेंगे एरियल ब्लैक और इसका साइज बढ़ा देंगे, यानी कि यहाँ पे 38 और 24 कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम इसको और ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है सबको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी से एक डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद फिर हम जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाके अलाइन, अलाइन में जाके हम करेंगे मिडल में, सॉरी से करेंगे अलाइन, अलाइन में जाके सेंटर कर देंगे। ये सेंटर हो गया। ये इसके यानी कि थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए हम इसका साइज लेके आ जाएंगे। स्टेप टू आ गया और इसकी विड्थ बनाने के लिए हम यहाँ पे सीख देंगे 2 और नीचे भी हम कर देंगे 2। इस बॉक्स को फिर हम दोबारा सेंटर में कर लेंगे अलाइन मिडल। अब इसका कलर चेंज करेंगे कलर स्कीम में जाके फिल कलर आईड्रॉपर और ये कलर ले लेंगे। इसी तरह ही हम बाकी भी बना लेंगे। मैं अभी ज़रा पॉज करके बना रहा हूँ जी दोस्तों। ये देखें मैंने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अब इसका वो फॉर्म चेंज कर लेंगे अपने मुताबिक, आप लिख लें साइज, टेक्स्ट का साइज बढ़ा देंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। अगर आपने कोई सेल है, कोई मार्केटिंग या अकाउंट्स रिलेटेड आपने कोई प्रोजेक्ट करना है तो आप उसके मुताबिक कर लेंगे। इसके बाद हम इसे एनिमेशन दे देंगे।
लाइन सेंटर कर लेंगे, ये सारी लाइन देख लेंगे सेंटर में ही होनी चाहिए। इसके बाद इसे में थोड़ा सा प्रॉपर स्पेसिंग कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके पीछे एक बैकग्राउंड पे स्पॉट लाइट बना लेंगे, ठीक हो गया। हम स्पॉट लाइट बनाएंगे और उसके बाद एक से एनिमेशन दे देंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल रैंडमली ड्रा कर लेंगे, फिर इसके फॉर्मेट में जाके रोटेट, और रोटेट करेंगे हम इसे 90 एंगल पे। 90 एंगल पे जैसे ही रोटेट होगा हम इसे यहाँ से ही देखें, ठीक है। आ गया, थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे ताकि हमारी एक मुकम्मल स्पोर्ट्स लेट हो। ठीक है, ये देखें हमने इसे इसके मुताबिक कर लिया ताकि हमारे इसे हम करेंगे। फिर इसमें जाएंगे अलाइन में, अलाइन में जाकर हम इसे कर लेंगे मिड सेंटर, और इसे कर लेंगे मिडल, मिडल में हो गया। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारा लास्ट और एंड वाला है उसके पॉइंट ज्वाइंट हो। अच्छा, अभी सबको क्या करेंगे, हम एक बार कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल डी की डुप्लीकेट बना लेंगे, डुप्लीकेट बना के इसे हम शेयर रिमूव कर देंगे। दोबारा हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे जाके शेप में जाके फ्रैगमेंट कर देंगे, सेलेक्ट, और यहाँ से जाएंगे अब फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाके हम करेंगे शेप, शेप में जाके करेंगे फ्रैगमेंट, ठीक हो गया। ये देखें ये हमारे पास आ गया, एक दो, और ये हमारे पास आ गया तीन, बाकी हमारा किसी काम का विषय डिलीट कर देंगे। इन सबको हम फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में जाके हम इसे कर लेंगे मिडल में। देखिए ये हमारे पास अभी स्पॉट लाइट्स की अरेंजमेंट हो गई है तकरीबन, ठीक है। अब हमने इनको करना है बैक पिक, ये सबको, ये जो खास तौर पे हमारे ब्लॉक्स हैं इन्हें फ्रंट पे ले आएंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट, और इन्हें ब्रिंग टू फ्रंट पे ले आएंगे। ब्रिंग टू फ्रंट आ गया, ठीक हो गया। स्पॉट लाइट बनाने के लिए हम इसे शेडो दे देंगे ताकि हमें लगे कई बार ये स्पॉट लाइट सी है। हम इसके जाएंगे फॉर्मेट ऑब्जेक्ट्स में, जाएंगे शेडोज में, शेडोज में जाके प्रीसेट पे जाके हम यहाँ से शेडोज दे देंगे। यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे ब्लर में, और थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ से बढ़ा देंगे, ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करके, सॉरी, इसको जो हमारे डिज़ायर फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाके इसे कर देंगे फिल कलर में आईड्रॉप, आईड्रॉप में ये देखें, ठीक हो गया। सॉरी, एक हमारे से सेलेक्ट ब्लॉक हो गया था, ये ठीक है। शेप में जाएंगे, आई ड्रॉप में जाएंगे, और इसे हम कर देंगे आई ड्रॉप का कलर आ गया। अच्छा, ठीक हो गया। अब हम इसमें थोड़ी सी एनिमेशन ऐड कर देंगे, ये देखें अब ये हमारे पास मुकम्मल स्पॉटलेस बन गई है। अब हम इसमें जाएंगे एनिमेशन में,
एनिमेशन में जाके सबसे पहले ये आएगा इंट्रो, इंट्रो को करेंगे आप, एनिमेशन देंगे जूम का, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप विद प्रीवियस, टेक्स्ट बॉक्स आगे से हम देंगे वाइफ और इसे करेंगे आफ्टर प्रीवियस, यही से फिर हम करते जाएंगे। सॉरी ये आगे स्पॉटलाइट है, स्पॉटलाइट का जो इफेक्ट दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, इसे भी वाइफ दे देंगे और इसे यहाँ पे करेंगे एनिमेशन में कर देंगे फ्रॉम राइट। हमारी एक एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ से कॉपी करते जाएंगे, ये देखिए हमारे पास है जी एनिमेशन पेंटर, कॉपी करेंगे या पेस्ट कर देंगे यहाँ से आएंगे एनिमेशन पेंटर स्टेप टू। फिर ये हमारे पास जो स्पॉटलेस का फंक्शन है इसके ऊपर रहेंगे एनिमेशन, इसी तरह हम सबको कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिर दोबारा इस पे जाएंगे, अगर आपको कहीं भी समझ ना आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा अब काम कंप्लीट हो चुका है, फाइनलाइज है, ये देखे हमारा ये काम हो गया तैयार स्पॉटलाइट। सॉरी इसके अंदर एक गलती हो गई, लगता है स्पॉटलाइट्स को जो हमने एनिमेशन दिया ऑन क्लिक आ गया आफ्टर प्रीवियस, यहाँ से भी आफ्टर प्रीवियस, और ये देखे एक गलती में सारा काम आगे गलत हो गया। बस ये आपने ध्यान करना है एनिमेशन के ऊपर टाइमिंग का। अब हम कर लेते इसे, ठीक हो गया। इस पे करना था विद प्रीवियस नहीं, ये आएगा आफ्टर प्रीवियस, ये भी हमारे पास आएगा आफ्टर प्रीवियस, और ये हमारे पास आएगा यहाँ से आफ्टर प्रीवियस, ये देखें ठीक हो गया। ये देखें हमारे पास कितना अच्छा, यानी कि प्रोमिनेंट हो गया, स्पॉटलाइट की मदद से हमने इन्फोग्राफिक्स कर ली गया। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, खुदा हाफिज़।